तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए हैं और बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हों अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह पर और आपके आल व असहाब पर और आपके मुत्तबईन पर। खुलफाए राशिदीन का ज़िक्र आप सुन रहे हैं, उनके हालात इख्तसार के साथ। आज अमीरुल मोमिनीन उस्मान इब्ने अफ़ान रदियल्लाहु अन्हु के कुछ हालात आपकी खिदमत में पेश किए जा रहे हैं। हज़रत उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के तीसरे खलीफ़ा हैं और सहाबा इकराम में उनका बड़ा अहम मकाम है। हज़रत उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु मक्के मुकर्रमा में पैदा हुए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 5 या 6 बरस छोटे थे। उनकी कबूल इस्लाम से पहले की ज़िंदगी भी बड़ी पाकीज़ा ज़िंदगी थी। उनका मकाम, उनका मर्तबा मक्के में बड़ा बुलंद था। बड़े ताजिर थे और मालो दौलत के हामिल थे। कभी किसी बुराई के करीब नहीं गए। तारीख़ की सारी ही किताबें इस पर मुत्तफिक हैं कि उस्मान रदी अल्लाहु ताला अन्हु नहायत पाकीज़ा इंसान थे और नहायत ही बाअख्लाक इंसान थे। कबीले कुरैश की एक शाख बनी उमैया है जिससे इनका ताल्लुक़ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी हाशिम में से हैं और हज़रत उस्मान इब्ने अफ़ान बनी उमैया में से हैं। ऊपर जाकर तकरीबन दादा परदादा पर जाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनका सिलसिला नसब मिल जाता है। हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की दावत पर इस्लाम कबूल किया था और बिल्कुल इब्तदाई दौर था, इसीलिए वो अस्साबिकून अल-अव्वलून में शामिल हैं। हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु को ये एज़ाज़ और शरफ़ हासिल हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां अलग अलग वक्तों में उनके निकाह में रहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 बेटियां थीं, ज़ैनब, रुकैया, उम्म कुलसूम और फ़ातिमा रदियल्लाहु अन्हुन्ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकैया और उम्म कुलसूम का निकाह अबू जहल के 2 बेटों उतबा और उतैबा से किया था। ये उस वक्त की बात है जब अभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिसालत की ज़िम्मेदारी नहीं आई थी, लेकिन जब आपने अल्लाह ताला की तौहीद का ऐलान किया और रिसालत का ऐलान किया तो उसके बाद इन क़ुराबतदारों ने शदीद मुखालिफत की और उसी के नतीजे में दोनों बेटों ने, अबू लहब के 2 बेटों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक दे दी। रुख्सती अमल में नहीं आई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को जब तलाक हो गई तो रुकैया रदी अल्लाहु अन्हा का रिश्ता हज़रत उस्मान ने अपने लिए पेश किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब रुकैया का निकाह हज़रत उस्मान रदी अल्लाहु ताला अन्हु से किया। एक अरबी शायर ये कहता है कि अहसनु ज़वजैनि रआहुमा इंसानु रुकैयतु व ज़वजुहा उस्मानु। इंसानी आँख ने जो खूबसूरत जोड़ा देखा है
वो सैयदा रुकैया और उनके शौहर उस्मान का जोड़ा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान इब्ने अफ़ान रदी अल्लाहु ताला अन्हु से हद दर्जा मोहब्बत और प्यार करते थे। एक मर्तबा उनके घर तशरीफ़ ले गए तो सैयदा रुकैया उनका सर धो रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से फरमाया, या बुनैया तो अहसिनी इला अबी अब्दुल्लाह फ़इन्नहु अशबहु अस्हाबी बी खुलुका मजमा उज़्ज़वाइद। प्यारी बेटी, अबू अब्दुल्लाह के साथ अच्छा सलूक किया करो, अबू अब्दुल्लाह उनकी कुन्नियत है, क्योंकि अखलाक के लिहाज से वो मेरे सहाबा में सबसे ज़्यादा मेरे मुशाबे हैं। यहाँ गौर करने की एक बात है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा रुकैया शौहर की खिदमत में मसरूफ़ हैं, उनका सर धो रही हैं, इसके बावजूद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से फरमाया कि प्यारी बेटी, अपने शौहर के साथ अच्छा सलूक किया कर। यहाँ से हर बाप को और हर बेटी के बाप को ये तालीम मिलती है, ये नसीहत मिलती है कि हर बाप अपनी बेटी को इस बात की नसीहत करे और उसकी तरबियत इसी अंदाज़ में करे कि शादी के बाद वो शौहर की खिदमत गुजारी करे, और शौहर ही की नहीं बल्कि शौहर के जुमला घर वालों की, खुसूसन वालिदैन की भी इज़्ज़त व तकरीम करे। आज हमारे माशरे में बड़े हालात ख़राब हैं, बेशतर घरों में, ख़ानदानों में इंतशार व इख्तलाफ पैदा होता है, कहीं लड़की को शिकायत है तो कहीं लड़के को शिकायत है, और फिर दोनों तरफ के वालिदैन अपने बच्चों को अच्छी बातों की नसीहत करने के बजाय उनकी गलत बातों को हवा देते हैं और उसकी हिमायत करते हैं, जिसके नतीजे में घर बर्बाद होते हैं। मुसलमानों को अगर दीन का सही शऊर हो और अल्लाह के दीन से सच्ची मोहब्बत हो तो वो यकीनन अपने बच्चों को नसीहत करेंगे और उनकी अच्छी तरबियत करेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर अपनी बच्चियों की तरबियत के साथ नसीहत भी फरमाते रहते थे। इब्तदाई दौर आप पढ़ें सीरत का तो आपको मालूम होगा कि मक्के में चंद मुट्ठी भर मुसलमानों पर बड़ा ज़ुल्म सितम होता रहा। अहले मक्का ने रिश्तेदारी का लिहाज भी नहीं किया, क़ुराबतदारी का लिहाज भी नहीं किया, और मुसलमानों पर मजालिम ढाते रहे। एक वक्त वो आया, 5 साल के बाद, नबूवत के 5वें साल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म फरमाया कि यहाँ तुम्हारे ऊपर ज़मीन तंग हो रही है, मक्के में मजालिम बढ़ रहे हैं, तुम लोगों को चाहिए कि तुम लोग हबशा की तरफ हिजरत कर जाओ, जिसे आज हम इथोपिया कहते हैं, अफ्रीका का ये मुल्क है और सऊदी अरब के करीब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि वहाँ का हाकिम, वहाँ का बादशाह इंसाफ पसंद है, तुम्हें वहाँ कोई तकलीफ़ और परेशानी नहीं होगी, इसलिए तुम हिजरत कर जाओ। तो मुसलमानों की एक बड़ी जमात ने मक्के मुकर्रमा से बहुत खामोशी के साथ हिजरत की। उन हिजरत करने वालों में अमीरुल मोमिनीन उस्मान इब्ने अफ़ान रदी अल्लाहु ताला अन्हु और सैयदा रुकैया उनकी अहलिया मोहतरमा, ये जोड़ा भी हिजरत करने वालों में मौजूद था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
इन्ना उस्माना लअव्वल मन हाजरा बिअहलिही बाद लूत अलैहिस्सलाम। लूत अलैहिस्सलाम के बाद ये पहला जोड़ा है उस्मान और रुकैया का जिसने हिजरत की है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने भी अपनी बीवी के साथ हिजरत की थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लूत के बाद ये पहला जोड़ा है जिसने हिजरत की है। हबशा में कुछ दिनों क़याम रहा, उसके बाद फिर मुसलमानों ने मक्के की तरफ पलटना शुरू किया। ये खबरें पहुँची कि मक्के में हालात बेहतर हैं, लेकिन रास्ते ही में लोगों को मालूम हुआ कि नहीं, हकीकत कुछ और है, इसलिए लोग फिर वापस हबशा की तरफ चले गए। इसको हबशा की दूसरी हिजरत कहा जाता है, और फिर वहीं बहुत से लोग वहीं रहे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से मदीने मुनव्वरा की तरफ हिजरत की, तो हज़रत उस्मान इब्ने अफ़ान रदी अल्लाहु अन्हु और उनकी ज़ौजा मोहतरमा सैयदा रुकैया रदी अल्लाहु अन्हा ने हबशा से सीधे मदीने की तरफ हिजरत की, और ये लोग मदीने मुनव्वरा पहुँच गए, और इनके अलावा बहुत सारे मुसलमान हबशा से निकलकर मदीने मुनव्वरा पहुँचे। मदीना पहुँचने के बाद मक्के वालों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैन से नहीं बैठने दिया, बल्कि मुस्तकिल साजिशें करते रहे। और दूसरे ही साल बदर का गज़वा पेश आ गया। मक्के के लोगों ने तैयारी की और बदर के मकाम पर 1000 मुसल्ला अफराद आकर जमा हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों का दिफा करने के लिए, डिफेंस के लिए जितने लोग थे 313 लोग थे। हथियार भी पूरे तौर पर सबके पास नहीं थे, सवारियां भी नहीं थीं। उसी बेसर्व सामानी के हालात में अल्लाह पर भरोसा और तवक्कुल करते हुए बदर के मकाम पर जाकर मुशरिकी ने मक्का का मुकाबला किया। उस मौके पर हज़रत उस्मान इब्ने अफ़ान रदी अल्लाह ताला अन्हु भी ग़ज़वा बद्र में शरीक होना चाहते थे, लेकिन सैयदा रुकैया बहुत शदीद बीमार हो गईं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान से फ़रमाया कि तुम यहीं रुको और अपनी बीवी की तीमारदारी करो। इस तरह हज़रत उस्मान इब्ने अफ़ान रदी अल्लाहु अन्हु ग़ज़वा बद्र में शरीक नहीं हो सके और अपने घर पर अपनी अहलिया की तीमारदारी करते रहे। इसी असना में उनकी वफ़ात हो गई, सैयदा रुकैया वफ़ात पा गईं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बद्र से फातिहाना अंदाज में वापस हुए, और उस वक्त आप मक्के मुकर्रमा पहुँचे जब उनकी तदफीन हो रही थी, कब्र में उतारा जा रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के लिए अल्लाह से मगफरत की दुआ की, बहुत देर तक आप वहाँ बैठे रहे और अल्लाह ताला से दुआ करते रहे, और हज़रत उस्मान इब्ने अफ़ान रदी अल्लाह ताला अन्हु को भी तसल्ली दी। इसी तरह हज़रत उस्मान इब्ने अफ़ान रदी अल्लाह ताला अन्हु के और भी बहुत सारे फ़ज़ाइल कुतुब अहादीस और तारीख़ की किताबों में मौजूद हैं। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक़ और हज़रत उस्मान इब्ने अफ़ान रदी अल्लाह अन्हुम उहद पहाड़ पर चढ़े हुए थे। पहाड़ ऐसे लरजने लगा। जो लोग मदीना मुनव्वरा गए हैं उन्होंने यकीनन वो उहद का पहाड़ देखा होगा, बहुत तवील पहाड़ है, बहुत बुलंद पहाड़ है। वो पहाड़ लरजने लगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
फरमाया ओहद ठहर जा, और एक रिवायत में है कि आपने अपना पैर मारा और फरमाया कि तुझे मालूम नहीं कि तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और दो शहीद मौजूद हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हुमा के बारे में पहले ही शहादत की बशारत दे दी थी, इत्तला दे दी थी कि ये दोनों शहीद होंगे। ये फजीलत है हज़रत उस्मान इब्न अफ़ान की। इसी तरह 3 हिजरी में, यानी ग़ज़वे बद्र के 1 साल के बाद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनू गतफान के नाम से एक कबीला था, वो बहुत सरकशी कर रहा था, उस पर चढ़ाई का इरादा किया और 400 सहाबाए कराम को तैयार किया और ख़ुद भी आप उनके साथ कायदाना अंदाज में शरीक हुए। हज़रत उस्मान इब्न अफ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उसमें शरीक होना चाहते थे। आपने उनको मदीने मुनव्वरा में अपना नायब मुकर्रर किया और कहा हमारे पीछे मदीने का इंतज़ाम तुमको देखना है। तो ये भी मकाम हज़रत उस्मान इब्न अफ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हासिल हुआ। इसी तरह हज़रत उस्मान इब्न अफ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेपनाह माली क़ुरबानियाँ हैं। जितनी दौलत और पैसा उन्होंने अल्लाह ताला के दीन की नुसरत में ख़र्च किया है, उस दौर में दूसरी कोई मिसाल नहीं मिलती है। मुसलमान जब हिजरत करके मदीने मनवरा हाजिर हुए तो वहाँ सिर्फ मीठे पानी का एक कुआँ था, बाकी पानी वहाँ नमकीन था, खारा पानी था। मुसलमानों के लिए बड़ी परेशानी का मामला था, मुहाजरीन बहुत परेशान थे। एक कुआँ जिसका नाम बीर रूमा था, आज भी है वो सिर्फ मीठे पानी का चश्मा था। उस कुएँ में मीठा पानी था लेकिन उसका जो मालिक था वो उसका पानी फरोख करता था, बेचता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे ये फरमाया कि क्या तुम जन्नत के बदले इसे मुसलमानों को देना पसंद करोगे? तुमसे हम सौदा कर रहे हैं जन्नत के बदले। तो उसने कहा अल्लाह के रसूल, मेरे पास अहले खाना के गुजारे के लिए इसके अलावा कोई और ज़रिया नहीं है। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कौन है जो इस कुएँ को ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दे और अल्लाह से जन्नत हासिल कर ले। नसई में और सही बुखारी में रिवायत मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं यश्तरी बीर रूमा फ़यजअलु फ़ीहा दलवहु मा दिलाइल मुस्लिमीन बिखैरिल लहु मिन्हा फिल जन्ना। कौन है जो बीर रूमा को ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दे और उसके बदले अल्लाह से जन्नत हासिल कर ले? और बुखारी की रिवायत में अल्फाज हैं मन हफरा रूमता फलाहुल जन्ना, जो रूमा हासिल कर लेगा उसके लिए जन्नत है। हज़रत उस्मान इब्न अफ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 35,000 दिरहम में बीर रूमा ख़रीदा। उस ज़माने में 35,000 दिरहम मामूली रकम नहीं थी, और आज के दौर में अगर हिसाब लगाएं तो करोड़ों में जाकर ये रकम बनेगी। इतनी बड़ी रकम खर्च करके कुआं हासिल किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल, आप जो सौदा कर रहे थे मैं उस सौदे के लिए तैयार हूँ। आप जन्नत के बदले बीर रूमा ख़रीद रहे थे, क्या आप मुझसे ये सौदा करेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नाम हाँ। उसके बाद अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल, मैंने ये ख़रीद लिया है और ये मुसलमानों के लिए वक्फ है।
उसके बाद बहुत आसानी के साथ मुसलमानों को मीठा पानी नसीब होता रहा। ये हज़रत उस्मान इब्न अफ़ान रदी अल्लाह तआला अन्हु का तमाम मुसलमानों पर एक बहुत बड़ा एहसान है, और अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक यकीनन उनको बदले में जन्नत अता फरमाई होगी। इसी तरह एक बहुत नाजुक मौका आया, मालूम यह हुआ कि रोम का बादशाह हिरक्ल हमला करने की तैयारी कर रहा है और मुसलमानों को नेस्तो नाबूद करना चाहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर लगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद की तैयारी शुरू कर दी, ऐलान फरमाया, सदका व खैरात का ऐलान किया। मुसलमानों ने, ख़ास तौर पर ख़वातीन ने अपने ज़ेवरात हाज़िर कर दिए और जो जिस लायक था उसने लाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली में डाल दिया। यहाँ से चंदा करने का जवाब निकलता है कि जब ज़रूरत पड़ी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदे का ऐलान किया और ग़ज़वे तबूक के लिए माल जमा किया और उसे मुसलमानों की हिफाजत में और दिफा में ख़र्च किया। आज कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे माशरे में, हमारे समाज में, कि जो उलमा पर तानो तशनी करते हैं कि ये लोग तो बस चंदा ही करते रहते हैं। हाँ, हम ये मानते हैं कि कुछ लोग करप्ट भी हैं, गलत भी हैं, जो जाली तौर पर चंदा करते फिरते हैं, लेकिन आप तहकीक कर लें, अच्छी तरह तसल्ली कर लें, मालूम कर लें, और उसके बाद जिस लायक हो अल्लाह ताला के दीन के लिए खर्च करें, मदारिस के लिए, मसाजिद के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, हस्पतालों के लिए, जहाँ भी खैर का काम है, आपके पास जो है, जितनी आपकी पॉकेट इजाज़त देती है, उतना आप अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करें। ये हम सब मुसलमानों की बहैसियत मुसलमान ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी जेब से अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करते रहें और इन्फाक़ फ़ी सबीलिल्लाह के फरीदे को अंजाम देते रहें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदे का ऐलान फरमाया। शदीद गर्मी का मौसम था, सूरज आग उगल रहा था और मदीने मनवरा में कहत के हालात थे, इतना शदीद गर्म मौसम था। मदीने मनवरा में तीनों मौसम आते हैं, वहाँ बरसात भी होती है, सर्दी भी पड़ती है तो बहुत सख्त पड़ती है, और गर्मी भी बड़ी सख्त पड़ती है। जो लोग वहाँ सफ़र करते रहे हैं उन्हें अंदाज़ा है इस बात का कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने में मदीने तैयबा में बड़ी सख्त सर्दी होती है। लेकिन उस वक्त जब ग़ज़वे तबूक का मौका था तो गर्मी थी, शिद्दत के साथ गर्मी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन जहज़हा उलाई ग़फ़रल्लाहु लहू, जो इन्हें तैयार करेगा यानी मुजाहिदीन की तैयारी में मदद करेगा, अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमा देगा। और सही बुखारी के अल्फाज हैं कि मन जहज़ जैशल उसरा फ़लहुल जन्ना फ़जहज़हु उस्मान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तबूक के इस मौके पर तैयारी करेगा और उसमें मदद करेगा उसके लिए जन्नत है। हज़रत उस्मान इब्न अफ़ान रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस तैयारी में भरपूर हिस्सा लिया। इब्न शिहाब ज़ुहरी ये फरमाते हैं कि सैयदना उस्मान इब्न अफ़ान रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तबूक के मौके पर 940 ऊँट, 60 घोड़े और 10,000 दीनार नकद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किए थे। हदीस में अल्फाज हैं कि फ़रायतुन नबी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन समुरा फरमाते हैं,
فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها في حجره ويقول ما بر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين. وہ درہم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں لا کر ڈالے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس طرح سے ہاتھوں میں الٹ پلٹ رہے تھے, جیسے آج ہم لوگ بھی کبھی کبھی سکے ہوتے ہیں تو اس کو اس طریقے سے ہاتھوں میں کرتے ہیں. یہی کیفیت بیان کی گئی اور فرما رہے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم, آج کے بعد کوئی بھی عمل عثمان کو نقصان نہیں پہنچائے گا. اللہ اکبر. اور یہ بات دو مرتبہ بیان فرمائی کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی بھی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا. یہ ہے مقام حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ایک مرتبہ آپ گھر میں تشریف فرما تھے, بہت اہم حدیث ہے, اور ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے ازار کو اوپر کیا ہوا تھا, یعنی پنڈلیاں کھلی ہوئی تھیں جیسے گھر میں آدمی بے تکلفی سے بیٹھتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, اجازت دی, وہ اندر آ گئے. پھر حضرت عثمان آئے, اجازت دی, وہ بھی گھر میں آ گئے. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو درست کر لیا. اماں عائشہ نے سوال کیا, اللہ کے رسول, ابو بکر آئے تھے تو آپ اسی طرح بیٹھے رہے, عمر آئے تھے تو آپ اسی طرح بیٹھے رہے, عثمان جب آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو درست کر لیا. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عائشہ, میں اس آدمی سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں, جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں میں اس سے حیا کیوں نہ کروں. یہ مقام ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. واقعات بہت سارے ہیں, انشاءاللہ آئندہ جمعے کو جو باتیں رہ گئی ہیں ان کو بیان کریں گے. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه کان غفارا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین, اما بعد. میرے بھائیو, ہم جس دین کے حامل ہیں, ہم جس دین کے ماننے والے ہیں, یہ رواجی دین نہیں ہے, بلکہ یہ دین کتاب و سنت میں لکھا ہوا ہے. یہ دین دلائل پر مبنی ہے, رسم و رواج پر مبنی نہیں ہے. آج ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی روایات پھیلی ہوئی ہیں جو محدثین کے معیار پر پوری نہیں اترتی, نہایت کمزور روایات ہیں, لیکن معاشرے میں ان پر چلن شروع ہو گیا اور اب ان کی نئی نئی شکلیں سامنے آتی ہیں. میری مراد ہے قبرستان میں جب میت کو دفن کرنے کے بعد, یعنی قبر میں پہنچا دینے کے بعد اس پر مٹی ڈالتے ہیں. مٹی ڈالنے کا ثبوت تو حدیثوں میں ہے, لیکن کیا پڑھنا چاہیے اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک مشہور ہو گیا سورہ طٰہٰ کی تین آیات کو پڑھنا, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى. یہ 16 پارے میں سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے, اس کو پڑھنے کا رواج ہے, لیکن یہ سنت نہیں ہے. اس سلسلے میں جو روایت مسند احمد میں آئی ہے وہ سخت ضعیف روایت ہے, اور اگر کسی کو شوق ہو تو میرے پاس تشریف لا سکتے ہیں. مسند احمد ہے الحمدللہ, مترجم 12 جلدوں میں ہے,
उसमें रिवायत मौजूद है और इसके तीन रावी सख्त ज़ईफ़ हैं और मुहद्दिसीन ने सख्त कलाम इस पर किया है। इस्नादहू ज़ईफ़ुन जिद्दा लिखा है कि इसकी सनद बहुत सख्त ज़ईफ़ है। अच्छा, ये तो एक बात हो गई, अब एक नया काम शुरू हो गया है जिसकी तरफ मुझे ख़ास तौर पर तवज्जो दिलानी है। कई जगह देखा, कल भी एक जनाजे में था तो वहाँ देखा कि जब मिट्टी देने लगे लोग तो एक नौजवान वहाँ कब्र के सराहाने खड़ा हो गया और ज़ोर ज़ोर से पढ़ना शुरू कर दिया, मिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन, पढ़ता ही रहा वो। खैर, अच्छी खासी भीड़ थी, आहिस्ता आहिस्ता हम भी जब कब्र के करीब पहुँचे तो उसको रोका, मना किया, अभी क्या कर रहे हो? यानी एक चीज़ असलन सुन्नत से साबित ही नहीं है और अगर है भी जो ज़ईफ़ रिवायत है वो फर्दन फर्दन है कि जो आदमी मिट्टी दे रहा है वो पढ़ेगा खुद, यानी जो खुद मिट्टी दे रहा है कब्र पर उसको पढ़ना है, अगर वो ज़ईफ़ रिवायत पर अमल भी करना है। ये एक आदमी खड़ा होकर सबकी तरफ से पढ़ना शुरू कर दिया, बिल्कुल नया काम है। तो ये सब हो रहा है और हमारे यहाँ बेहिसी का हाल ये है कि अच्छे जानकार लोग भी ऐसे मौके पर ज़बान बंद किए खड़े रहते हैं। वैसे तो कब्रिस्तान में हर आदमी मौलवी बना रहता है, नहीं जी इधर से इधर करो, उधर से उधर करो, यहाँ से लो और वहाँ से लो, जिसे देखिए वो मसला बयान करता रहता है। लेकिन इस तरह की चीज़ें जब सामने आती हैं तो कोई आदमी रोकता टोकता नहीं है, सब खामोश ज़बान बंद किए रहते हैं। अल्लाह के बंदो, सुन्नत पर अमल करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीक़ा था उसको देखना चाहिए। और आम तौर पर मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जो दुआ पढ़ने की है मैयत को कब्र में उतारते हुए, वो अक्सर लोगों को मालूम ही नहीं, जबकि बहुत छोटी सी है वो, बिस्मिल्लाह व अला मिल्लति रसूलिल्लाह, बस इतना छोटा सा जुमला है, बिस्मिल्लाह व अला मिल्लति रसूलिल्लाह, ये पढ़कर आप मैयत को कब्र में उतार दीजिए। इसलिए बिदात से बचें और गैर मसनून अमल से बचें, सुन्नत पर अमल करेंगे तो अजर मिलेगा इंशाअल्लाह, और सुन्नत के खिलाफ अमल करना ये अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह हम सबको नसीहत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين المهديين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والنصارى واليهود اللهم كل إخواننا في فلسطين اللهم كلهم مؤيدا وظهيرا اللهم كل إخواننا المرابطين في المسجد الأقصى اللهم فرج همهم اللهم انصرهم اللهم نفس كربهم اللهم داو جرحاهم اللهم عاف مبتلاهم اللهم اشف مرضاهم اللهم ارحم موتاهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا اللهم يا منتقم يا جبار عليك بمن ظلمهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم وزعزعهم يا قوي يا عزيز اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم حرر المسجد الأقصى اللهم حرر المسجد الأقصى اللهم حرر المسجد الأقصى اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم والحمد لله رب العالمين.